गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेनर्स के लिए सबसे मुश्किल डिसीजंस में से एक है अपनी शुरुआत के लिए एक सही स्टार्टर पोकेमोन को चूज करना, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये पोकेमोन्स सभी की टीम में होना जरूरी है। मैंने पहले ही कैंटो, जोटो और होइन रीजन के ऊपर वीडियो बना दी है, तो आज हम जाने वाले हैं स्नो रीजन में ये डिसाइड करने की कौन सा स्टार्टर बेस्ट होगा हमारे लिए जिससे गेम आसान हो जाए। टर्टोइक, चिमचार और पिपलप। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टार्टर पोकेमोन्स की जोड़ियाँ हैं उसमें से सबसे मुश्किल इन्हीं तीनों में से किसी एक को चूज करना है, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें हेल्प के लिए। आज मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एक सही डिसीजन लेने में कि स्ट्रेटेजिकली कौन सा स्टार्टर बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। हाँ, यहाँ कोई गलत या सही डिसीजन नहीं है कि कौन सा स्टार्टर तुम चूज कर रहे हो, पर हम एक ऐसा पोकेमोन लेंगे जिसके सबसे ज्यादा फायदे होंगे, और हम इसमें सिर्फ लीग के बेस पर इसका फैसला नहीं करेंगे, हम इसमें साथ में टीम गैलेक्टिक और उसके कमांडर्स और यहाँ तक कि तुम्हारे राइवल्स को भी देखेंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज का एक जरूरी रोल है मेन स्टोरी में। हम साथ में देखने वाले हैं हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के एक एक पोकेमोन को, और उसी से हम हर एक स्टार्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, जिसमें 1 से 5 तक की रेटिंग्स होंगी। 1 का मतलब टोटली डिसएडवांटेज और 5 मतलब बेस्ट एडवांटेज। और हाँ, इसमें मैथ्स का भी यूज़ करने वाले हैं हम इसे डिसाइड करने के लिए। हाँ, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसमें तो करना ही पड़ेगा। टाइप, मैचअप्स, मूव सेट्स, स्टैट्स और सब कुछ इसी से डिसाइड होगा। तो इस बार आर्ग्यूमेंट्स मत करना गाइस, इसे क्यों नहीं लिया, उसे क्यों नहीं, ये तो मेरा फेवरेट था, इसे लेना था, तो ओके प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलना, बस चुपचाप इस वीडियो को एंजॉय करो। मैं तुम सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि भले ही हमने अपनी चॉइसेस को मैथमेटिकली लिया हो, पर हमारे अभी तक लिए गए सारे पोकेमोन में से हमारे हर एक स्टार्टर ने एक दूसरे से बेहतर किया है। इनमें बस एक बाल के बराबर फर्क था, मतलब ये सब पावर के मामले में बहुत पास हैं, और इनके डिफरेंस भी बल्कि ना के बराबर हैं, और ये सभी अमेजिंग हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, लाइक हम रखते हैं 5000 का, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कंप्लीट कर दो, और सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करें। इसे स्टार्ट करते हैं तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा घटिया लगने वाले पोकेमोन टर्टोइक से। हाँ, मुझे ये नहीं पसंद। ये छोटा सा हरा भरा कछुआ एकदम बड़े होने के साथ ही पूरे आइलैंड जैसे पोकेमोन में बदल जाता है। टोटेरा, यकीन नहीं हो रहा तो डिटेक्टिव पिकाचू मूवी देख लो, समझ आ जाएगा। टोटेरा जिसकी कुछ साफ साफ कमजोरियों के बावजूद तुम्हारी स्नो की स्क्वाड के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो यही बेस्ट होगा, सही कहा ना? ये कहने के लिए सॉरी, पर बहुत कम फर्क से टर्टोइक असल में लेने के लिए सबसे ज्यादा खराब स्टार्टर है। दूसरी तरफ हमने देखा है टोटेरा अच्छा है इन जिम लीडर्स के सामने जैसे रॉर, क्रेशरवेक, बायरन और वॉल्कनर, पर इसके अलावा कहीं भी ये खास नहीं है। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा ये सही है। एक तरफ कुछ जगह पर टोटेरा छा जाता है, या तो इसके 3 डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे इसकी वीकनेस है फ्लाइंग, फायर और साथ में 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर है आइस से, और इसी की वजह से स्नो रीजन में बाकी अदर रीजन से ये ज़्यादा फैला हुआ है। अब टोटेरा की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए हमें दूसरे की पॉइंट्स को भी लेना होगा, जिसमें सामना होगा तुम्हारे राइवल और ज़्यादातर टीम गैलेक्टिक के लीडर से। बैरी के साथ टोटेरा को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसे सामना करना होगा बैरी के स्टार रैप्टर, हेराक्रॉस, इन्फर्नेप और यहाँ तक कि फ्लॉटजेल के आइस फैंग का, और टीम गैलेक्टिक के खिलाफ मार्स और जुपिटर दोनों के पास में गोलवेट है जिनके पास एयर कटर है, और ब्रॉन्जोर के पास लेविटेट है, और बिना ग्राउंड टाइप मूव्स के टोटेरा कभी भी ब्रॉन्जोर को छू तक नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उनके एसेस भी टोटेरा को काउंटर कर लेंगे, और यही सैटर्न के लिए भी है जिसका टॉक्सिक रॉक एक्सेसर से आखिरी बैटल में धमाका कर देगा। अब टोटेरा को एडवांटेज सिर्फ तब मिलेगा जब उसकी बैटल होगी टीम गैलेक्टिक के छोटे मोटे मेंबर से जिनके पास बहुत सारे पॉइजन टाइप्स हैं, पर सिर्फ एक अर्थक्वेक से टोटेरा इन सभी को खत्म कर देगा, पर ये सिर्फ टोटेरा रहने पर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। टर्टोइक और ग्रोटेल को टीम गैलेक्टिक खत्म कर देगी अपने पॉइजन टाइप से,
और ये देखो साइरस की टीम को, ये टीम टॉटेरा को अपना ब्रेकफास्ट समझकर खा जाएगी। पर अभी तो ये खत्म नहीं हुआ, एक बार तुम बुरी टीम्स को और जिम लीडर्स को हरा भी दो तो तुम्हारा अगला टास्क होगा एलाइट फोर और चैंपियन को हराना। और सोचो टॉटेरा यहाँ पर क्या करेगा, कुछ खास नहीं। जैसे ही तुम तुम्हारे पहले एलाइट फोर के पास पहुंचोगे तो वो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा तुम्हारे लिए। एरन के बग टाइप्स लिटरली टॉटेरा को साफ कर देंगे। जो भी हो, जब टॉटेरा बैर्था से लड़ेगा तो उसके पास पूरा पूरा एडवांटेज होगा, जो कि एक लौता एडवांटेज है पूरे एलाइट फोर में। अब फ्लिंट, अरे रहने दो, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लूशियन के साथ उतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, टॉटेरा अभी भी साइकिक पोकेमोन के खिलाफ में खड़ा रहेगा। यहाँ तक कि ये बस मेडिचैम्प के आइस पंच से ही हार सकता है डायमंड एंड पर्ल में, और एस्पियन के सिग्नल बीम से प्लैटिनम में। आखिर में सिंथिया है, इसके हर एक पोकेमोन में से टॉटेरा को एडवांटेज है गैस्ट्रोडॉन के खिलाफ डायमंड एंड पर्ल में, और शायद लुकारियो और माइलोटेक के भी। पर ये सिर्फ तभी होगा जब तुम लुकारियो के पावरफुल स्टैबोरा से बच पाओ और माइलोटेक के आइस बीम से, जिसके चांसेस ही नहीं है या जो कि हो ही नहीं सकता, इसके चांसेस बहुत कम हैं। फिर उसके स्पियर टूम का सिल्वर विंड और उसके टोजिकिस का एयर स्लैश प्लैटिनम में। इसके सभी मूव सेट को देखकर ही साफ पता चलता है क्यों टॉटेरा को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी स्नो रीजन में। तो इसका मतलब होता है कि पिपलब ही बेस्ट स्टार्टर होगा, मेरा मतलब है कि ये तो होगा ही। जरा देखो इसे, सभी जिम लीडर्स में इसे सच में बस मुसीबत होगी गार्डेनिया और वॉल्कनर का सामना करने में। और एलाइट फोर में टॉटेरा के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एम्पोलियन के साथ बिल्कुल नहीं होगी। ये एरन को आसानी से संभाल लेगा और आसानी से हरा देगा बैर्था और फ्लिंट को, और कुछ छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी लूसियन के सामने। ये बस अगर किसी के सामने ज़्यादा मुसीबत में पड़ेगा तो वो है सिंथिया। पर यार ऐसा कौन है जिसे सिंथिया के साथ मुसीबत नहीं होती है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है टीम गैलेक्टिक को हराना कितना ज़्यादा आसान है। तो इन सभी पॉइंट्स के साथ में एम्पोलियन ही बेस्ट स्टार्टर होगा, राइट? सही कहा ना? वेल, पूरी तरह से तो नहीं। अब जब हमारे छोटे पर तेज एम्पोलियन के पास में थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है टॉटेरा के मुकाबले, एम्पोलियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इसकी वीकनेस फाइटिंग और ग्राउंड टाइम मूव्स, जो कि पूरे स्नो लीग में सबसे ज़्यादा कॉमन है। हाँ, इसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे से पॉइजन टाइप्स का असर नहीं होता, जिससे बहुत से टीम गैलेक्टिक का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। फिर भी अभी कुछ जरूरी कैरेक्टर्स के साथ में बहुत परेशानियां होंगी, जैसे गार्डेनिया और वॉल्कनर, मैंने पहले ही बताया था, सैटन और सिंथिया, और ऑफ कोर्स बैरी। और जैसे तैसे तुम इस पर चमक भी गए तो एम्पोलियन को सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी लूशियन के साथ। हाँ, इस पर सारे स्टेप साइकिक मूव्स का यूज़ करने पर कुछ भी नहीं होगा, पर लूशियन की टीम के पास बहुत सारे मूव्स हैं, जैसे थंडर वोल्ट, थंडर पंच, फोकस ब्लास्ट, अर्थक्वेक और ड्रेन पंच। साथ में एम्पोलियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है यूज करने के लिए डिसेंट स्टील मूव्स की कमी, जो कि सही समय पर यूज होते हैं। हाँ, इसके पास फ्लैश कैनन आ सकता है टीएम का यूज करके, पर इसका ज्यादा यूज तो नहीं है, बस यूज होगा तो सामना करने कैंडिस और थोड़ा बहुत बैर्था के सामने, मैं इसे लेकर श्योर हूँ। पर इसके पास ऐसे बहुत कम मूव्स हैं जो अच्छी तरह से काम आएंगे, वो भी सही सिचुएशन में, एकदम सही जगह पर जहाँ उन्हें यूज होना है। इन्हीं सभी को लेकर ये नंबर वन में रहने के हिसाब से ठीक नहीं है। एम्पोलियन एकदम सही जा रहा था, पर गेम फ्रीक ने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, चिमचार। एक बार फिर से फायर टाइप। एनीवेज, आई लव फायर टाइप्स। शायद तुमने पहले से अंदाज़ा लगा लिया होगा ये आने वाला है, पर सच कहूँ तो अगर तुम इन नंबर्स को देखो तो बहुत सारा सेंस बनता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास चिमचार है तो रॉर्का का सामना करने में मुश्किल होगी, पर इसके लिए तुम्हें सिर्फ इसे इवॉल्व कर देना है मॉनफर्नो में। एक बार तुम ये कर दोगे तो तुम्हें फाइटिंग टाइप्स मूव्स के साथ ही तुरंत स्टेम मैक पंच मिल जाएगा। इन सब के बाद इन्फर्नेप बहुत अच्छा करेगा, और तो और इसके बहुत एडवांटेज हैं बहुत से गेम्स में। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की टीम को छोड़कर इन्फर्निप के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम्स जरूर होंगी, जिनके नाम हैं क्रैशर वेग, बैर्था और लूसियन। पर जब इनका सामना करोगे तो जैसे गार्डेनिया, बायरन, कैंडिस, बैरी, एरन, मार्स और जुपिटर,
तो इन्फरनेप के पास बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज के बहुत रेयरली चांसेस हैं सैटर्न, साइरस और ऑफ कोर्स सिंथिया के सामने। और ज्यादा ऑफेंस और स्पीड स्टैट के साथ ये पूरी टीम को नहीं हरा सकता, पर अपोनेंट से हारेगा भी नहीं। और तो और इसके पास बहुत अमेजिंग स्टैट के साथ कमाल के मूव्स हैं, मूव्स जैसे स्टोन एज, शैडो क्लॉ, अर्थक्वेक और सोलर बीम, ये सब आराम से इन्फरनेप के वीकनेस को काउंटर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, पूरे स्टार्टर के पास भी ऐसे मूव्स थे जो वीकनेस को काउंटर कर लें, पर ये थोड़े स्लो हैं उन्हें यूज करने के लिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि टोटेरा और एम्पोलियन अपनी वीकनेस को काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऐसा कर सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इन्फरनेप ज्यादा बेहतर तरीके से ये कर सकता है इसकी स्पीड की वजह से। और जब बात इन्फरनेप के एडवांटेज की आती है तो पूरे स्नो लीग और जनरेशन 4 के प्लॉट में तो ये नंबर्स झूठ नहीं बोल रहे। इन्फरनेप बस थोड़ा ऊपर है, एकदम साफ साफ। सॉरी टोटेरा, तुम मुझे अभी भी पसंद हो, पर ज्यादा नहीं, इसलिए बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो जिससे नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आए, और सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो तो। कमेंट्स में बताओ क्या लगता है तुम्हें। जैसा मैंने पहले बताया था, ये बेस्ड है नंबर और फैक्ट्स पर, और ये नंबर्स बहुत आसपास हैं। हर स्टार्टर एक दूसरे से बस हल्का सा आगे है। तो बताओ कमेंट्स में तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। तो गाइज मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I wanna be the very